नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड में। अगर दोस्तों आप PRTC बसेज में कंडक्टर की नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन आप सभी को यह नहीं पता PRTC बसेज में कंडक्टर की नौकरी के लिए कैसे अप्लाई होता है और हमें कैसे पता चलता है PRTC बसेज में कंडक्टर की नौकरी है जो निकली हुई है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो PRTC बसेज में हमें अगर कंडक्टर की नौकरी पानी है तो हमारे मन में आते हैं, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए ताकि हम कंडक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएँ, और जैसे कि अप्लाई करते समय हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो एज लिमिट है जो कितनी मांगी जाती है ताकि हम अप्लाई कर सकें। तो इन सभी सवालों पे डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी PRTC से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर आए आप तक सही समय पर जो पहुँचती रहे। और जिन दोस्तों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ज्वाइन का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का आप सभी को ये बेनिफिट रहेगा, जब भी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहता है मैं उस ग्रुप में है जो साथ ही साथ शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है जो शुरू करते हैं, और सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। दोस्तों कंडक्टर की नौकरी को अप्लाई करते समय है जो आपको अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ लेकर जाने होते हैं, उनकी फोटोकॉपी है जो हमको चाहिए होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपने साथ खुद की पासपोर्ट साइज़ है जो फोटो साइज लेकर जानी है, और सेकेंड नंबर पर कंडक्टर लाइसेंस का आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कंडक्टर लाइसेंस की हमें फोटोकॉपी है जो वहाँ पर देनी पड़ती है। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनता है, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपने उस वीडियो को देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर क्लिक करने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आईडी प्रूफ के लिए आपके पास खुद का आधार कार्ड होना ज़रूरी है, ताकि आप दोस्तों जब भी अप्लाई करें आपके पास खुद का आईडी प्रूफ है जो होना चाहिए, और इसकी फोटोकॉपी भी है जो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि हम PRTC बसेज में कंडक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आप 10th या फिर 12th क्लास पास हो तो आप कंडक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इनकी फोटोकॉपी है जो होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों इस नौकरी को अप्लाई करने के लिए हमारी उम्र कितनी मांगी जाती है, तो दोस्तों वो उम्र है 18 से 37 साल के अगर बीच हैं आप तो आप इस नौकरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये तो पता चल ही गया होगा PRTC बसेज में कंडक्टर की नौकरी के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और एज लिमिट कितनी रहती है। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट बात पे हम डिस्कस करेंगे नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और हमें कैसे पता चलता है PRTC बसेज में कंडक्टर की जॉब है जो निकली हुई है, तो अभी इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों PRTC बसेज में जब भी कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है तो इसके लिए वो अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाल देते हैं, और साथ में न्यूज़पेपर पर भी आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाता है जब भी कंडक्टर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आप हैं जो PRTC की ऑफिशियली वेबसाइट पर है जो चेक कर सकते हैं, तो PRTC की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप देख सकते हो pepsuRTC.com है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसके बाद आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपने चेक करने के लिए नोटिस पे जाना है, और रिक्रूटमेंट है जो फर्स्ट पे आ रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर है जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, और यहीं पर आप सभी को पता चलता है जब भी PRTC बसेज में कंडक्टर की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आप सभी को इस नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ, और कैसे है जो नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में आप सभी को अच्छी तरह बता देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद नीचे PDF फाइल खुलती है और उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, आप देख सकते हो कंडक्टर दी भर्ती। तो दोस्तों इस तरह का नोटिफिकेशन है जो आ जाता है जब भी कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है PRTC बसेज में, तो इसमें आप सभी को अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाती है क्या क्या प्रोसेस रहता है। और दोस्तों जब भी ये नोटिफिकेशन आता है आप सभी को ऑफलाइन है जो कंडक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है, जिस जगह पर आप सभी ने अप्लाई करना होता है वो नोटिफिकेशन में साथ ही बताया जाता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया फार्म अप्लाई करने का स्थान, तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जहाँ पर आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और यहाँ पर संपर्क भी दिया जाता है जिससे आप इनको कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन है जो ले सकते हैं, और टाइम भी यहाँ पर बताया जाता है, और आप सभी को नोटिफिकेशन से है जो साथ के साथ पता चल जाता है। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन है जो साथ के साथ चेक करते रहिए। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस हमने जाना आज की इस वीडियो में, आप कैसे है जो PRTC बसेज में कंडक्टर की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आगे इसी तरह PRTC से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।